नमस्कार, कैसे हैं? आप भी सोच रहे होंगे गुरु जी ने क्या बता दिया, कंकड़ मारते जिन्न हाजिर। तो बिल्कुल सही है, पूरी वीडियो देखिए। वादा करता हूं इसको जिसने कर लिया, अगर नहीं हाजिर होगा तो मैं वादा करता हूं वो मेरे पास चला आएगा, उसको मैं खुद दिखाऊंगा कि जिन्न कैसे हाजिर होता है। उसके लिए समय लेना पड़ेगा। तो करना क्या पा रहे दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप जिन्न अपने पास रखना चाहते, जिसे मोक्किल बोलते हैं, मोक्किल को अपने काबू में करना चाहते और दुनियावी चीजें लोगों का भला करना चाहते हो, तो आज सीख लो ये उपाय। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है और इसमें कभी खता यानी कभी ये मिस नहीं करता, खाली नहीं जाता। तो शुरुआत करें। नमस्कार, मैं रुद्र शरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मैं सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके लिए तंत्र मंत्र टोटके उपाय बताता हूं। चूंकि सनातन धर्म यही है कि सबके बारे में सोचता है, सबके लिए सोचता है, तो आज ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके लिए, आपके मित्र के लिए भी हो सकता है। उम्र गुजार दिए सिद्धि नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उन्होंने 20-20 साल गुजार दिया, 25-25 साल गुजार दिया। मैं उन दोस्तों से कहता हूं, उन भाइयों से कहता हूं, उन अपने दर्शकों से कहता हूं जो लोग साधना कर करके थक चुके, उनके हाथ कुछ नहीं आया, वो इसको एक बार करें। मेरे लायक कोई सहायता होगी निःशुल्क इस साधना में, मैं उनको करने को तैयार हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये साधना कैसे और कब करनी है। वीडियो को बढ़ाइए, यानी जल्दी हो तो साधना का ख्याल दिमाग से निकाल दो, कहीं जाके मोमोज का ठेला रखो, क्योंकि साधना कोई बहुत आसान चीज नहीं कि आप बढ़ा के देखो कि कहां काम की बात हो रही। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते जो शॉर्टकट बढ़ने के चक्कर में बहुत जल्दी भागते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपके आपके परिवार को धन धान से परिपूर्ण रखे। प्यारे दर्शकों, इसका समय आपको मैं बता देता हूं, किसी मुस्लिम भाई से पूछ लीजिएगा कलबला कहां होता है। कलबला जहां ताजिया दफन की जाती है उसे कलबला बोलते हैं। तो किसी भी नौचंदी को, नौचंदी भी वो बता देगा, नौचंदी क्या होता है, चांद की तारीख होती है, पहला शुक्रवार, पहला जो बृहस्पतिवार होता है, इन्हीं के बीच नौचंदी लग जाती है। शुक्रवार को भी इसकी टाइमिंग जैसे आधा अमावस्या आज आधा कल, इस तरीके से अब इस्लाम में भी जो चौघड़िया चल रही उसमें भी समय का परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए किसी भी, या तो शुक्रवार को जब चंद्रमा पहले निकले, पहली तारीख के बाद जो पहला शुक्रवार है वो सबसे बेहतर है। आपको जाना है कलबला, नहा धोकर के साफ होकर एकदम पवित्र होके वहां पर जाना है। आपको 5 पेड़े रखना है, 5 गुलाब के फूल रखना है, प्रणाम करना है और बोलना मैं अपने मकसद, अपने को, अपने पास एक जिन्न एज ए दोस्त, बराए दोस्त अपने पास रखना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके यहां से कुछ चीज मांगने आया हूं, मुझे दीजिए और मेरे मकसद में कामयाबी करिए, यानी मेरे उद्देश्य में सफलता दें। ये बोलने के बाद वहां से आपको 400 छोटे छोटे कंकड़ उठा लेना, उल्टे हाथ से उठाना है और सीधे हाथ में रखकर झोली में रख लेना है। 400 कंकड़ उठा लेना है। अब शुक्रवार को पूछो कब जाए, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कभी चले जाके ले आइए। ध्यान है, कंकड़ उठाने समय आपको कोई टोकने ना पाए, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये सिर्फ उठा के ले आइए। अब उसी शुक्रवार की रात से आप बरगद का वृक्ष देखिए, कहीं बरगद का वृक्ष देखिए। प्रतिदिन आपको 20 कंकड़, कितना, प्रतिदिन 20 कंकड़ रात को जाना है, कंकड़ों के ऊपर इत्र छिड़कना है। अब आपको कंकड़ बरगद के ऊपर मारते हुए बोलना जिन्ने उल्ला हाजिर, ये सब, यही सिर्फ यही शब्द बोलना है और ऐसे मारना है। पहले दिन नहीं हो सकता, आपकी किस्मत अच्छी हो तो पहले दिन ही प्रकट हो जाएगा, नहीं तो आपका ये जब तक का 400 गिट्टी खत्म ना हो जाए इसको करते रहिए। हो सकता है कि एक कभी अधिकतर ये देखने आया है कि चौथे पचे दिन
चौथे या पांचवें दिन प्रकट हो जाता है। ये बड़ा लंबा सा दिखेगा आपको, ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं। बाकी बचे कंकड़ वो मांगेगा, ध्यान रखिए वो कंकड़ देना नहीं, कंकड़ दे दोगे तो आपको वहीं पटकेगा और आपको पागल कर देगा। कितना भी डराए धमकाए बाकी कंकड़ मत देना, बोलना ठीक है बाकी कंकड़ जब दूंगा पहले मेरे से वादा कर कि कयामत के दिनों तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो बोलेगा आमीन। बोलना तुझे बीवी फातिमा की गौसुल आजम दस्तगीर का वास्ता, मेरे किसी भी जानने वाले पहचानने वाले रिश्तेदार या पूरे हमारे कायनात के किसी आदमी को बगैर इजाजत हमारे आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कहेगा आमीन। तीसरा बोलना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ना कुछ भोग दे पाऊंगा ना खिला पाऊंगा, तुम्हें अपना खुद खाना है, ढूंढ के खाना है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ जब भी तुम मेरा कोई बड़ा काम करोगे तो एज ए दोस्त बराए मित्र हम आपको जो गिफ्ट देंगे, जो भोग देंगे, जो चीज खिलाएंगे, जितना देंगे उतना तुम्हें कबूल करना होगा, वो बोलेगा आमीन। उसके बाद वो बोलेगा अब तो कंकड़ दे दो, कह रहा ठीक है कंकड़ दे दूंगा, मैं कैसे मानूं कि तुम अपने वादों पे कायम रहोगे, तुम अपने हाथ का मुझे अंगूठी दे दो। तो वो गोल छल्ला या अंगूठी हर अलग अलग रहता है, वो दे देगा। अगर वो कहेगा मैं ये नहीं दे सकता अंगूठी या छल्ला नहीं दूंगा, तो बोलना अपना टोपी दे दो, टोपी या छल्ला देगा। जब ये आपको दे देगा तो कंकड़ दे देना। तो जब तक आपके पास छल्ला है टोपी है या आपके काबे में है आप इससे मनचाहा काम करा सकते हैं। मुस्लिम भाई अपने बराए हिफाजत के लिए बंदिश के लिए आयतल कुर्सी का विर्द करके अपने सीने पर दम करके जाए। हिंदू भाई हमारे जो हैं जो करना चाहते हैं उसके लिए श्री राम रक्षा स्रोत का 41 बार पाठ करके पानी पे दम करके वो पानी पिए अपने बदन पे छिड़क कर जाएं, ये जब अमल करें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है और अक्सर इसके अंदर कोई बहुत उग्र जिन नहीं आता है, सरल आता है, व्यवहार कुशल आता है। जैसे हम लोगों की जात है, हम लोगों का समाज है, वैसे जो आसेबी चीजें हैं परालौकिक, इनकी भी दुनिया है, इनके भी कायदे, इनके भी कानून है। तो ध्यान रखें इसको करिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारा दरबार जो सुबह लगता है भीड़ बहुत हो जाती है, इस कारण मैं पर्सनली किसी को कॉल नहीं कर पाता हूं। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो 7497988880 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इन कॉलों पे अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही या आप सही ढंग से उत्तर नहीं दे रहे तो आप मैसेज पे भी हमारे जानकारी ले सकते हैं। चूंकि मैं जानता हूं कॉल पर इन दिनों थोड़ा सा असुविधा हो रही है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सही संतोषजनक जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहा चूंकि हमारा नया आश्रम बनना, स्टाफ की कमी की होने की वजह से अब लोग जानते हैं किस क्या मानसिकता है। तो मैं बहुत जल्दी 1800 जो नंबर होता है टोल फ्री वाला ये लेने वाला हूं और उस पर हमारी बेटियां बैठेंगी जो पूर्णता विद्वान होंगी, अतिशीघ्र वो सेवा चालू होगी, ठीक है। और जो लोग वर्तमान में हमारे कॉल पे हैं वो अनुष्ठान पे रहेंगे, हमारे दरबार में रहेंगे, अन्य सेवा में आपके रहेंगे। तो अगर थोड़ी बहुत असुविधा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो या आपको सही सेवा ना मिल पा रही उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी आपको अघोर सूत्र हमारा अघोर माला एक चैनल है जिसका लिंक हर वीडियो में पड़ा रहता है, जिसे रुद्रमाला के नाम से हम जानते हैं। हमारा चैनल का मेन है रुद्रमाला अघोर, उस पर आकर आप व्हाट्सएप नंबर उस पर भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई सामग्री मंगाना चाहें रुद्रमाला पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।